पड़ा जो काल गाँव तक तिरुपति मिर्जा चौक तक खराब है, इसके चक्कर में ही एक्सीडेंट भी हो जाता है, एकदम खच्चा खुच्चा है। हाल तो पिछले 5 सालों से बदहाल है, जीना हराम हो गया है। कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है। कौन सुनेगा, किनको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, ये गाना नहीं, ये दर्द है। और ये दर्द है एनएच 80 पर सफ़र करने वाले राहगीरों का, वाहन चालकों का और एनएच 80 से सटे लोगों का। आप देख सकते हैं हम इस वक्त एनएच 80 पर खड़े हैं और एनएच 80 की जो दुर्दशा है वो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। एनएच 80 पर सवोर से लेकर कहलगांव पीरपैती तक एनएच 80 का यही दुर्दशा है। गड्ढे इतने हैं कि उसे गिनना मुश्किल है। खास तौर पर यह गड्ढे परेशानियों और भी ज़्यादा बढ़ा देती है जब बरसात के समय में, बारिश के सीजन में, बारिश होने के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाता है। बारिश की पानी से गड्ढे जब भर जाते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि रोड समतल है या फिर रोड में गड्ढे भी हैं। और ऐसे में वाहन चालक जो है उनको काफ़ी, वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के जो सांसद हैं अजय मंडल, वो इसी रास्ते से यानी एनएच 80 होकर गुजरते हैं और वो अपना गांव घर जाते हैं। सांसद अजय मंडल का गांव इसी रोड किनारे घोघा पड़ता है और उनका कई दफ़ा गांव जाना होता है, लेकिन साहब इतने बड़े लग्जरी गाड़ी में बैठे होते हैं कि इन गड्ढों का असर उन्हें महसूस नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनएच 80 पर अभी जो है सुबह का मौसम है और धूल की वजह से पूरा जो है सड़क वो धुंधला सा हो गया है। यहाँ तक कि गाड़ी चालकों, वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर सफ़र करना होता है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि सो रहे हैं और ये सड़क मौत को दावत दे रही है। उनसे मेरी मुलाकात हो गई है, इनसे ही बात कर लेते हैं और ये कुछ कहना चाह रहे थे। सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये प्रदूषण के बारे में हम कहना चाह रहे हैं, जीना हराम हो गया है। ये गर्दा तो यहाँ से फिर पैती तक गर्दा ही गर्दा है। व्हाई शुड आई पे द टैक्स? ऊपर से हमने पैसा वसूला जा रहा है टैक्स करके, ऊपर से क्या है तो ट्रक में दाहिने साइड साइलेंसर दे दिया गया है जो आदमी का जान लेने वाला है। ये बगल से जब क्रॉसिंग आप करते हैं साइलेंसर दाहिने साइड से जो दिया है, पता नहीं कौन ऐसा कर दिया, पहले हर गाड़ी में बैक हुआ करता था साइलेंसर, अब वो दाहिने कर दिया है, जिसके चलते जो मोटरसाइकिल क्रॉसिंग होता है जानलेवा है। ये सब चीज बंद हो जल्द से जल्द। यू वांट टू से अबाउट दिस रोड? रोड तो खैर है ही नहीं, देयर इज नो रोड इन बिहार, आई थिंक सो। बट हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि सड़क निर्माण। इट इज फॉल्स, इट इज टोटली फॉल्स, इट इज टोटली फॉल्स। आई एम सुंदरम फ्रॉम पीरपैती। You want to say about Ajay Mandal? No, I will not say about it. Why? Because I am a farmer, I cannot say about. But I will say there is no work. तो ये ग्रामीण थे जितने हम जो यहाँ के ही हैं। सर कहाँ के हैं रहने? मैं पीरपैती सुंदरपुर का रहने वाला हूँ। तो ये पीरपैती सुंदरपुर के रहने वाले ग्रामीण थे और ये अपने घर जा रहे हैं? जी मैं घर जा रहा हूँ। बाजार आए हुए? नहीं नहीं, मेरा यहाँ भी घर है, भागलपुर सेलबाग और फिर पैती सुंदरपुर भी, दोनों जगह। तो सर बिहार विधानसभा का चुनाव होने है, क्या लगता है ऐसे में सड़क बन? ऐसा होगा तो चुनाव बहिष्कार हम लोग करेंगे। तो क्या लगता है इस बार कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे विधानसभा का चुनाव? विधायक यहाँ वर्क चाहिए, नॉट योर फेस, नॉट यू अर्न। हम सब मिल के कमाएं, हम सब मिल के स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है, एकदम स्वच्छ भारत। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि एनएच 80 के दुर्दशा से ग्रामीण आक्रोशित हैं, फिर भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सूद नहीं ले रहे हैं और ये गड्ढे मौत को दावत दे रही हैं। और ख़ासकर जब धूल, जब एनएच 80 पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ता है तो धूल उड़ती है और धूल के वजह से जो एनएच 80 के किनारे सटे जो घर बनाकर लोग रह रहे हैं, ऐसे में प्रदूषण के वजह से, धूल की वजह से सांस की समस्या, फेफड़े की समस्या, ये सब बीमारी जो है ये बीमारी को भी दावत दे रही है, खासकर ये गड्ढे जो है मौत को भी दावत दे रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ मैं विकास कुमार सिंह, सिल्क टीवी, भागलपुर। ऐ सलमान, बोल रहे थे क्या आगे जाके रिपोर्टिंग कर लेते हैं कहलगांव या पीरपैती से? सड़क जैसा है ना कि रिपोर्टिंग हम लोगों का रिपोर्ट कोई दूसरा चैनल चलाएगा, मर जाएंगे रास्ते में। कैमरा चालू नहीं है।